हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ न्यू प्लांट्स को शेयर करूंगा जिनको कि मैं 4-5 दिन पहले लेकर के आया था। बट यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज भी थोड़ी बारिश रुकी है, बट मौसम अभी भी ख़राब है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से वीडियो बना लेते हैं और मैं आपको वीडियो में दिखाऊं कि कौन कौन से मैंने प्लांट्स को लिया है। क्योंकि मॉनसून तो एक बेस्ट सीज़न है आप अपने गार्डन में नए प्लांट्स को ऐड करने के लिए। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी अपने चैनल पर कि उसमें भी मैंने प्लांट शॉपिंग की थी मॉनसून स्पेशल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें देखिए कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स को लिया है। और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो प्लांट्स देख सकते हैं। और ये आप पार्ट 2 समझिए, वो पार्ट 1 था। इसमें मैंने काफ़ी प्लांट्स से लिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिएगा कि कौन कौन से मैंने प्लांट्स लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे प्लांट्स हैं जिनको कि मैं लेकर के आया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा इनका नेम और प्राइस किस रेट में मुझे मिले हैं। और ये देखिए, आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं। और क्योंकि मॉनसून तो एक ऐसा सीज़न है जिसमें आप जितने ज़्यादा प्लांट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल रेट है वो 100% रहता है। कोई भी प्लांट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे प्लांट हैं ये है मेरे क्रोटोन के प्लांट, और क्रोटोन आपका एक इंडोर प्लांट है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसकी आप लीव्स का प्रोपेगेशन देख सकते हैं, फॉलेज देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फॉलेज है, और इसकी आप लीव्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्रोटोन है, और क्रोटोन के मेरे पास काफ़ी प्लांट्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो मेरे पे वैरायटी है 4-5। ये जो मेरा क्रोटोन है ये मैं लास्ट ईयर लेकर के आया था, और ये बेंगलोरी क्रोटोन है, और इसका आप देख सकते हैं इसकी लीव्स का फॉलेज देख सकते हैं कितना अच्छा जो फॉलेज है। और एक मेरे पास ये क्रोटोन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्रोटोन की वैरायटी है। इसके मेरे पास 2 प्लांट है और इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और एक मेरे पास क्रोटोन का ये प्लांट है, इसको आप देख सकते हैं इसके भी जो लीव्स का आप फॉलेज और इसकी प्रोपोगेशन है कितनी अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे आपकी किसी प्लांट से फायर निकल रही है येलो। क्रोटोन के मैं और भी प्लांट से लेकर के आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट इसका लीव्स हैं और कलरफुल इसकी लीव्स है। और एक मेरे पास ये क्रोटोन है जो मैं लेकर के आया हूँ, और ये आप देख सकते हैं, ये भी डिफरेंट क्रोटोन है, और एक ये क्रोटोन है, ये भी आप देख सकते हैं कलरफुल लीव्स, ये इधर रेड है और इधर ग्रीन, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और एक मेरे पास ये क्रोटोन है जो मैं लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको उनका रेट बता दूँ, सभी मुझे एक ही रेट में मिले हैं, ये 40 रुपीज़ में मुझे ये क्रोटोन के प्लांट मिले हैं। सिर्फ एक जो ये क्रोटोन है ये थोड़ा कॉस्टली है, ये 80 रुपीज़ का क्रोटोन है, बाकी जितने भी ये क्रोटोन है ये सब 40 रुपीज़ के क्रोटोन है। और फ्रेंड्स, ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट जिसका नाम है चाइनीज़ एवरग्रीन, और ये भी आपका एक इंडोर प्लांट है, आप इसको इंडोर गार्डन में रख सकते हैं अपने घर में, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसकी लीव्स देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लीव्स हैं, और इसमें भी आपको वैराइटीज़ काफ़ी मिल जाती हैं। और मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, ये जो मुझे प्राइस मिला है ये मुझे 80 रुपीज़ का प्लांट मिला है, और ये आप एक 6 इंच के पॉट में लगाए, ये आप देख सकते हैं पॉट में लगाए। और मैं आपको नेक्स्ट प्लांट दिखाता हूँ, ये है मेरा कनेर का प्लांट। कनेर में ये इसकी ड्रॉप वैरायटी है, ये थोड़ा इसकी हाइट और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आप इसको इजीली किसी बड़े पॉट में लगा सकते हैं, 14 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। और ये इसमें रेड कलर का फ्लावर है, कनेर में भी आपको काफ़ी कलर मिल जाते हैं, जैसे पिंक हो गया, वाइट हो गया और डबल कलर हो गई, काफ़ी कलर मिल जाते हैं। और ये जो मुझे प्लांट मिला है ये मुझे 30 रुपीज़ का प्लांट मिला है। और फ्रेंड्स, ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट, ये मधु कामनी का प्लांट है, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके जो फ्लावर्स है उसमें से फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है खुशबू से भरा रहे तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। मेरे पास फ्रेग्रेंस के 2-3 प्लांट और है, जैसे कि एक मोगरा हो गया और एक रात की रानी, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और एक ये मधु कामनी है। काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं फ्रेग्रेंस वाले वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और उसमें खुशबू जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू है। और ये जो प्लांट मुझे मिला है मुझे 80 रुपीज़ का मिला है विद पॉट, ये आप देख सकते हैं, ये 8 इंच के पॉट में लगा है और ये 80
रुपीज़ का है। और फ्रेंड्स ये है मेरे नेक्स्ट टू प्लांट्स, इनका मुझे नेम नहीं पता बट इनमें जो फ्लावर हैं, इसके जो मैं नर्सरी फ्लावर देखे हैं इसमें रेड कलर के फ्लावर होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। परमानेंट ये फ्लावरिंग प्लांट है आपका। नर्सरी वाले को भी इसका नेम नहीं पता था और मुझे भी, अगर मुझे पता चलता है तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नेम दे दूँगा। और ये जो प्लांट है इसका भी मुझे नेम नहीं पता बट इसमें भी फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके। और ये जो मुझे प्लांट मिला है मुझे ये 20 रुपीज़ का मिला है और ये जो मुझे प्लांट मिला है 30 रुपीज़ का मिला है। और फ्रेंड्स ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट, ये एक्सोरा का प्लांट है और ये भी आपका एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके जो फ्लावर है वो भी काफ़ी गुच्छों में आते हैं। ये जो मेरे पास कलर है ऑरेंज कलर है और इसकी मेरे पास दो कलर और हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एक पिंक कलर का एक्सोरा है और ये भी छोटा प्लांट है, जब बड़ा हो जाता है तो काफ़ी इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। और एक मेरे पास ये देखिए, ये रेड कलर का एक्सोरा है और इसकी एक मिनिएचर वैरायटी होती है डिफरेंट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्ड्स हैं। ये इसकी मिनिएचर वैरायटी है, इसका जो कलर है वो भी ऑरेंज है, सेम कलर के ये प्लांट हैं बट इसका जो फ्लावर है छोटा होता है और इनके जो फ्लावर है काफ़ी बड़े होते हैं। और ये जो मुझे प्लांट मिला है मुझे 50 रुपीज़ का प्लांट मिला है एक्सोरा का। और फ्रेंड्स ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट जिसको कि हम चंपा या फुलमेरिया नाम से जानते हैं और इसमें भी आपको कलर काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे वाइट हो गया, पिंक हो गया और डार्क पर्पल, रेड। ये जो मेरा प्लांट है ये रेड कलर का इसमें फ्लावर आएगा, जो नर्सरी वाला बता रहा था पता नहीं कौन सा कलर का फ्लावर आएगा, बस उसने बोला है कि इसमें रेड कलर का फ्लावर आएगा। तो आप भी इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसके फ्लावर जो है देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स यही थे मेरे कुछ न्यू प्लांट्स हैं जिनको कि मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है और आई होप आपको प्लांट अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने गार्डन में न्यू प्लांट्स को ऐड करना तो ये बेस्ट सीज़न है, आप मॉनसून आप इसमें अपने न्यू प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे प्लांट्स थे, आई होप आपको ये प्लांट्स अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये प्लांट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।